मेरे सिग्नेचर प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है, जिसका नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको 10 स्किल्स बताने वाला हूं। तो आज पांचवी स्किल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसका नाम है ट्रस्टवर्थीनेस, कि कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने फॉलोअर के साथ में। जो मेरी लास्ट स्किल थी वो थी पॉजिटिविटी, फोर्थ वन, और ये फिफ्थ वन, होप आपने असाइनमेंट किया होगा। दोस्तों एक लीडर, अच्छा लीडर तब बनता है जब वो अपने फॉलोअर के दिल दिमाग पर ट्रस्ट पैदा करे। जब आप उनके दिमाग में ट्रस्ट पैदा करोगे तो वो आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप करने के बाद में लोग आपके ऊपर क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। जो सबसे पहला पॉइंट है, एबिलिटी टू अपोलोजाइज। हाँ दोस्तों, अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी माफी मांगे कि भाई मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो। देखो लीडर हमेशा ये सोचता है कि मैं तो सुपीरियर पोजीशन पे हूं, मैं क्यों माफी मांगू। नहीं दोस्तों, आप सुपीरियर पोजीशन पे हो, वहां से नीचे आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों के दिमाग में ट्रस्ट पैदा कर सके, और वो तब होगा जब आपसे कोई गलती होती है और लीडर उनसे माफी मांगता है, तो यस दिस इज माई मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। खत्म। आपने लोगों के दिमाग में ट्रस्ट पैदा किया कि इसके अंदर कोई घमंड नहीं है, ये हमारा प्योर लीडर है, अगर गलती भी करता है, इंसान है तो माफी मांगता है। सेकेंड, अकाउंट। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर को या अपने टीम मेंबर को या अपने एम्प्लॉइज को अकाउंटेबल होता है कि मैंने ये काम किया, मैंने ये प्रोजेक्ट लिया था, इसको मैंने पार करवाया, यानी वो हमेशा अकाउंटेबल रहता है। उसके टीममेट्स कभी भी अकाउंटेबल नहीं होते, कोई भी मैच जीतता है या हारता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के कैप्टन को जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के लीडर को जाती है। वैसे ही दोस्तों एक अच्छा लीडर होता है वो अकाउंटेबल होता है, यस हमने परफॉर्म किया लेकिन हमसे ये ना हो पाया और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अकाउंटेबल रहोगे तो लोग आपको डाई हार्ड तरीके से फॉलो करेंगे कि यस ये हमारा जबरदस्त लीडर है जो हमको हर काम के लिए खुद ही अकाउंटेबल रहता है, हमारे को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। थर्ड पॉइंट जो है बिजनेस एथिक्स। दोस्तों एक अच्छा लीडर तब ट्रस्ट पैदा कर सकता है जब वो एथिक्स पे रहे, जब वो बिजनेस के एथिक्स को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पीठ के पीछे बुराई ना करे, किसी के बारे में एक टीममेट्स के सामने दूसरे टीममेट्स के बारे में बुराई ना करे, वो बोलेगा यार क्या इंसान है, किसी और के सामने मेरी भी बुराई करता होगा। किसी के नेगेटिव पॉइंट्स को दूसरों के सामने डिस्कस ना करे, है ना, कुछ सीक्रेट बातें हो वो शेयर ना करे, एथिक्स रखे। जब बंदा एथिकल होता है और लोगों को पता है कि ये बंदा एथिकल है, याद रखिए दोस्तों आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे वो लोग। तो आपको एथिक्स पालना है। जब आप एथिक्स पालोगे कि नहीं दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ये सही है गलत है, जब सही लगे उसके साथ खड़े रहो, गलत को अपोज करो, तो जब आप ये रखने की हिम्मत कर सकते हो तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट में सर कॉन्फिडेंशियलिटी। हाँ दोस्तों, आपको हमेशा वो कॉन्फिडेंशियलिटी पैदा करनी अपने लोगों के बीच में, कॉन्फिडेंस कि यस हमारा ये लीडर ही ये काम कर सकता है। उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं नहीं कर पाया तो ये कर देगा। तो जब आप उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हो, जब आप उस कॉन्फिडेंस को उनके दिमाग में लाते हो, तो वो आपके डाई हार्ड फॉलोअर हो जाते हैं और आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा लीडर तब अच्छा लीडर बनता है जब वो अपने फॉलोअर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने टीममेट्स के दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि यस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी। अब वो कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करना है अपने टीममेट्स के साथ में, अपने एम्प्लॉइज के साथ में, अपने लोगों के साथ में। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंट इन बिहेवियर टुवर्ड्स एम्प्लॉय। कंसिस्टेंट इन बिहेवियर यानी जो आपका बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। बहुत से लोगों का मूड स्विंग होता है, कभी अच्छे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कभी बुरे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, कभी उनका दिमाग अच्छा रहता है, कभी उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन आपको एक ही, आपका बाहर का कितना भी टेंशन हो, फैमिली का कितना भी टेंशन हो, लेकिन जो आपसे जुड़ा हुआ है उसको आपको कंसिस्टेंटली रहना जरूरी है, उसको आपको कंसिस्टेंटली ही बात करनी जरूरी है। जो आपका बिहेवियर पहला था वही बिहेवियर अभी होना चाहिए, वही बिहेवियर बाद में भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्रेडिबिलिटी। दोस्तों आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो आप एक क्या कहते हैं ना, एक कमाना चाहिए कि यस ये जो बोलता है वो उसी पे रहता है, ये हक पे रहता है, ये बात करेगा तो ये बात करेगा। क्रेडिबिलिटी जीतो, यानी जो आप बात रखो उसको पूरा करो। बहुत से लोग होते हैं दोस्तों अपनी बातों से पलट जाते हैं, जब आप अपनी बातों से पलटते हो ना आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, आपकी गुडविल खत्म हो जाती है, आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। तो आपको क्रेडिबिलिटी मेंटेन करनी, जो आप बोलो उसको फुलफिल करो, जो आप किसी को वादा करो
वो पूरा करो। तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप क्रेडिबिलिटी फॉलो करोगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ दोस्तों, एक होता है इंटेलिजेंट आप रहो किसी के साथ में, बट एक होता है इमोशनली आपको उनके साथ में अटैच होना है, उनके इमोशन को समझना, वो अगर सैड है तो क्यों सैड है, हैप्पी है तो क्यों हैप्पी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होना आपके अंदर की क्वालिटी बहुत जरूरी है। जब आप इमोशनली उनके साथ में अटैच रहोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, क्योंकि आप उसके साथ में दिल से जुड़े हुए हो। जब दिमाग से जुड़ते हैं ना तो आप उनके साथ में सिर्फ फायदा नुकसान सोचते हो, लेकिन जब आप इमोशनली जुड़ते हो ना तो आप उनका अच्छा बुरा सोचते हो। तो जब आप उनके साथ में इमोशनली जुड़ोगे तो वो आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपका हाई रखो कि इसका इमोशन कैसे है। किसी के इमोशन के साथ में मत खेलो, उनको उनकी प्रायोरिटी दीजिए, उनको बात करने का मौका दीजिए, उनको सुनने का मौका दीजिए। यानी हर एक चीज जब आप उनको राइट दोगे तो वो आप उनके साथ में इमोशनली अटैच होगे, और जब आप उसके साथ में इमोशनली अटैच होगे तो वो आपके साथ में ट्रस्ट, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करेगा, यू कैन नॉट इमेजिन दैट थिंग। नेक्स्ट वन इज एम्पैथी, जो लास्ट इसमें मैं बता चुका हूं कि आपको अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको अपने आप को उसके पोजीशन पे रख के सोचना पड़ेगा। जब आप उसको अपनी पोजीशन, मतलब उसके पोजीशन में जाके जब आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बंदा किस प्रॉब्लम में है, उसको कोई दिक्कत है, उसको कोई परेशानी है, तो आप क्या होगे पता है मालूम है, उस हिसाब से बात करोगे। जब आप एम्पैथी करोगे उसके साथ में तो आप एक ट्रस्ट बिल्ड करोगे कि ये बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, और वो आप पे बहुत ट्रस्ट करने लगेगा। जब आप वो आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, ये आपका एक विनिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी। दोस्तों अपने लोगों के साथ में ईमानदार रहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप ऑनेस्ट अपने लोगों के साथ में नहीं हो उसके साथ में, तो आप किसी के साथ में ऑनेस्ट नहीं रह सकते हो। तो लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये बंदा ईमानदार है, यानी हमेशा सच बोलो जो भी कुछ होता है। सच इतना इंपॉर्टेंट होता है, एक लीडर अगर सच बोलता है तो उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो बेईमानी करेगा, यानी वो ऑनेस्टी नहीं रखेगा वो लीडर, ठीक है, लोगों को पता है ये झूठ बोलता है, फोन उठाया उसने, हाँ मैं ऑफिस में नहीं हूं, और उसका एम्प्लॉय उसको देख रहा है कि सर तो ऑफिस में बैठा है और झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये बंदे को झूठ बोलने की आदत है। लेकिन आप अगर बोलते हो हाँ क्या काम है, नहीं मैं आपको नहीं मिल सकता हूं, बोलने की जरूरत नहीं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं। यानी आपको ऑनेस्टी पालना बहुत जरूरी है दोस्तों, ईमानदारी। जब आप ईमानदार रहोगे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आप कुछ भी बोलोगे वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये बंदा सच बोलता है, ईमानदार है। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। दोस्तों ये बहुत जरूरी चीज है कि सबको मिलाकर रखना, सबको एक साथ में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। अगर हमारे एक टीम है, इसमें अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग दिमाग के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, आपको उनको यूनाइटेड बना के रखना है। जब ये इंटीग्रिटी आप लेके आओगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे कि ये बंदा सबके लिए समान है, एक है। जब ये मैसेज जाता है कि बंदा सबके लिए समान है, एक है, आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया, अब वो आपके डाई हार्ट फॉलोअर है। नेक्स्ट इज अब मॉरल कंपास। दोस्तों जब भी आप किसी को गिनो तो मॉरालिटी के साथ में गिनो, एक कंपास रखो कि ये बंदा है, मॉरालिटी के साथ में उसको चेक करो कि ये बंदा सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। जब आप मॉरल रहोगे, जब आप सही के साथ में रहोगे, तो आपका जो ट्रस्ट है सामने वाले पे, सामने वाला जो आप पे ट्रस्ट करेगा वो आप पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करेगा। तो किसी को भी अगर चेक करना है तो मॉरालिटी के साथ में करो। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी, आप भरोसेमंद रहो, किसी का भरोसा न तोड़ो, कुछ वादा करो तो उसको कंप्लीट करो, उसको फुलफिल करो। जब आप रिलायबल नहीं रहोगे, जब आप भरोसे के लायक नहीं रहोगे, तो आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपके अंदर रिलायबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, जो बात बोलो उसको फुलफिल करो, जो वादा करो उसको कंप्लीट करो, जो चीज उसको देने की आप कमिट करोगे उसको फुलफिल करो। तो जब आपके अंदर रिलायबिलिटी आएगी तो वो आप पे क्या करने लगेगा, ट्रस्ट करने लगेगा। रिस्पेक्टफुलनेस। दोस्तों किसी से अगर आपको ट्रस्ट जीतना है ना, उसका भरोसा जीतना है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। जब आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी इन रिटर्न रिस्पेक्ट ट्रस्ट के साथ करेगा। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसको सही तरीके से वैल्यू नहीं करोगे, उसको इज्जत नहीं दोगे दोस्तों, तो वो भी आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। यानी इंसान को आप खाना मत दो तो चलेगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, ये इंसान की डिग्निटी होती है। जब आप उसको रिस्पेक्ट दोगे तो आपको
ट्रस्ट करेगा. नेक्स्ट, स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट, यानी अगर आप लीडर हो तो आपको सही के साथ में खड़ा रहने की जरूरत है. जो सही है उसके साथ में खड़े रहो, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी है, एक अकेला भी एक बंदा है उसके साथ में खड़े रहो तो लोग आप पे भरोसा करेंगे कि ये इंसान हमेशा सही के साथ में खड़ा रहता है. ये इंसान ये नहीं देखता है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये देखता है कि ये सही है तो उसके साथ में वो खड़ा है. एंड लास्ट वन इज अ थॉटफुल, यानी दोस्तों जब भी आप कोई काम करो थॉटफुल करो, उसके पीछे कोई ना कोई थॉट होना बहुत जरूरी है. बिना थॉट के कोई काम करता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती या उसको लोग ट्रस्ट नहीं करते. कोई थॉट बेस्ड चीजें हो, आप थॉटफुल रहो कि यस ये मुझे चीज चाहिए थी, आपने वो चीज नहीं दी. अगर आपके थॉट स्ट्रांग होंगे तो लोग आपको क्या करेंगे दोस्तों, आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे. दोस्तों ये जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये पॉइंट से आपको क्या करना है, एक लोगों के दिमाग में अपना ट्रस्ट क्रिएट करना है. आपको एक ट्रस्ट वर्थीनेस बनना है. जब आप लोगों के दिमाग में ट्रस्ट क्रिएट कर लोगे डेफिनेटली तो लोग आपके डायरेक्ट फॉलोअर होंगे. और आपको मैं असाइनमेंट देना चाहूंगा, जो पॉइंट्स आपको समझ में है वो मुझे मेंशन करो कि ये पॉइंट्स मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, और किसी पॉइंट्स में आपको डिफिकल्टी है तो वो पॉइंट्स भी आप कमेंट में डालिए. मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए. दोस्तों अभी जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो होगा क्रिएटिविटी. एक लीडर अगर क्रिएटिव है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, अपनी टीम को बुलंदी पे लेके जा सकता है. तो नेक्स्ट स्किल वो हम सीखने वाले जिसका नाम है क्रिएटिविटी. दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सीजन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर और आप लोगों का दोस्त. दोस्तों मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने अपने जो चहेते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया है जिन्हें मैं ऐसे लगता है कि उनके लाइफ में मेरी वजह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो मैंने ये वीडियो बनाया. अब आपकी जिम्मेदारी है, जिनको आप चाहते हो उनके साथ में प्लीज इस वीडियो को शेयर करो. ये आज वक्त की जरूरत है. अगर आप उनके साथ में ये वीडियो शेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स मिलेगी. दोस्तों कहते हैं ना प्यार बांटने से बढ़ता है, ये तो नॉलेज है. दोस्तों आप इसको जितना बांटोगे उतना लोगों को उसका फायदा होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए. और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरखास्त. थैंक यू सो मच.